तो गाइस आज है हमारा ऑनलाइन एग्जाम, और ऑनलाइन एग्जाम बहुत खतरनाक है और वो एमसीक्यू टाइप का। उसमें ये भी ध्यान रखना, ऊपर से ये घर जो है ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लाइट भी कभी काट देते हैं। तो मैं समझा क्या, वो लाइट ना काट ली तो पेपर पूरा कैंसिल और 5 साल के लिए 6 साल के लिए, क्योंकि अब हमें मौका नहीं मिलेगा क्लियर करने का कोई भी बैक इन केस अगर होता है तो, क्योंकि वो हो जाएगा ओट का ओट सेमेस्टर में होता तो हो जाता, अभी 9th चल रहा है तो हो जाएगा 11th सेमेस्टर, तो समझ रहे हो इसीलिए। और लाइट वाईफाई सबका ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम। और ये देखो भाई ये कॉपी है, रात रात में पढ़ने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। बस थोड़ी देर में एग्जाम स्टार्ट होगा, हम लेके चलते हैं। चलो जब तक वहीं पे चल देंगे, एग्जाम जब स्टार्ट होगा तभी हम बात करते हैं रिकॉर्ड, तब तक। तो भैया यहाँ पे लाइट का किस प्रकार से आप जुगाड़ कर रहे हैं? ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है आईपी यूनिवर्सिटी का, तो पहले तो हम गेट खोल लेंगे, थोड़ा सा रोशनी अच्छी खासी आ जाए, ज़्यादा नहीं तो सब पार पड़ जाएगी। लाइट, एक और लाइट, ये चालू हो गया, ले ले, नेचुरल लाइट से ना थोड़ा फोकस रहेगा, नहीं तो स्ट्राइक मगोर नहीं दे देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो। तो पहले तो आप जो एग्ज़ाम है वो किस पे देने वाले हो, फ़ोन पे या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे, लैपटॉप पे स्ट्रिक्ट हो रही है, उसके लिए कैमरा भी आता है। तो आप इसे नीचे क्यों बिछा रहे हैं? नीचे थोड़ा आराम से लैपटॉप और रूट कंफर्टेबल रहता है। इसमें क्या है ना, मेरे को से लगता है कि उतना नहीं है, लिमिटेशन है कि इससे आगे नहीं, और मेरे को चाहिए जब एग्ज़ाम दे रहा तो पूरा फैल रहेगा। अच्छा, एक मिनट अभी रहा है। तो आप क्या लेने गए थे? ये इससे इससे फायदा मैं बताता हूँ, जब लैपटॉप रखते हैं ना जब हवा नहीं निकल पाता तो ब्लॉक हो जाता है और सब बंद हो जाता है, मेरे सब ट्रैक्स है, तो इस पर रखते हो तो हवा पास होती रहती है स्ट्रेट, है कपड़े पे नहीं रखना चाहिए वैसे। और जब एग्जाम होगा तब खुलेंगे पूरा। तो इसके अलावा आप बता सकते हो और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि स्ट्राइक ना हो, और कितने स्ट्राइक के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाता है? 50 स्ट्राइक है मेरे को, 8 आ गई थी मॉक टेस्ट के लिए, एक एग्जाम हुआ था पिछली बार, उस पर भी 2-3 दूंगा, स्क्रीन पर लगा के दिखा देंगे हम कैसा, तो वो वार्निंग आती है स्ट्राइक टाइप की। अच्छा, होती है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा विशाल जी कि अगर जैसे हम चीटिंग वगैरह करना चाहें तो, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि इसमें कैमरा ऑन रहता है, आपका माइक ऑन रहता है, सब ऑन रहता है, यहाँ पे स्क्रीन भी आती है कि हम क्या कर रहे हैं, और कोई पीछे से भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब भी। अच्छा, तो अगर हमें चीटिंग करनी हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं? पढ़े क्या हो इस चीज़ का, हम लोग इस पे यूट्यूब पे प्रमोट नहीं करेंगे। नहीं तो फिर भी जैसे आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं, कितना ही पढ़ ले वो नहीं आ पाते, तो लॉजिक लगाएंगे और एक स्टेट लेवल का दिमाग लगाएंगे। अच्छा, तो मैं इसका मतलब है कि आप करने वाले कुछ खुराफाती? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम वैसे सारे स्टूडेंट जानते हैं, आपके यूट्यूब पर बता नहीं सकते हैं, रीजंस हैं उसके कम्युनिटी पे कि हम गलत सबको संदेश नहीं देना चाहते। अच्छा, बाकी सब अपना अपना करो जैसे जैसे। तो चलिए ठीक है, आप अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिए, और एग्जाम के दौरान कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, कोई भी स्क्रीन के सामने आ गया, कोई भी अगर अंदर आ गया तो मेरे को वार्निंग दे देंगे, आवाज़ भी अभी वार्निंग दे देंगे, सो इन सब चीज़ों का याद। और 3 बजे बोल दिया, लॉगिन करके बैठ जाना, 3:30 बजे ऑन हो जाए, ऑन जाएगा 1.5 घंटे में। आज ऑब्जेक्टिव है, लास्ट टाइम मेरा सब्जेक्टिव था उस पर आंसर लिख के फोटो अपलोड करनी थी, और आज है MCQ में ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर 60 MCQ होंगे और 1.5 घंटे का टाइम है। नर्वसनेस। अच्छा, अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन की वजह से अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या फिर कुछ भी तो कोई चांस नहीं अगर? और हम तो 9th सेमेस्टर में, 9th सेमेस्टर मतलब कि अगर इसमें कुछ हुआ तो अगला साल होगा, मतलब जो 5 साल के लोग हल्की लो हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत। और जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार कॉलेज का जो भी आपका सर्वे था वो डाउन हो गया था, तो उसके बाद आपको टाइम मिला था एक्स्ट्रा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी की गलती थी तो हमें टाइम दे दिया। अच्छा, तो कितना टाइम मिला था आपको 1.5 घंटे के बदले? हमें दे देते इतने से इतने घंटे का, ज़्यादा टाइम दिया था वो बोला है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से बताना नहीं है किसी को। तो चलिए ठीक है विशाल जी, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपका रिव्यू जानेंगे कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। हाँ, हमने पासवर्ड इसमें रख लिया है, पासवर्ड डालेंगे लॉगिन हो जाएगा, तो आपको मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद और हम बताएंगे हमारा कैसा गया। जय हिंद वाले कि किस प्रकार से उन्हें लॉगिन करना है एग्ज़ाम देने के लिए अपने लैपटॉप पे, तो इस प्रकार से कुछ, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो भी कॉलेज की ईमेल आईडी है उसे लॉगिन कर रहे हैं, तो ये लॉगिन कर लिया अपनी मेल आईडी। इस पे हम जाएंगे सपोर्ट गूगल GGS, इसमें लिंक आया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें पासवर्ड भी डालेंगे, वो मना क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से कि शेयर नहीं करना, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा कोई और एक्सेस चले। ठीक है,
ये जो लॉगिन पासवर्ड है ना ये हाइड कर दियो, बाकी ये जो लिंक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका दे रखा है लॉगिन पासवर्ड वगैरह आईडी वगैरह सब कुछ आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है एट द टाइम। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट ये हर बार आता है। रिपोर्ट सेलेक्ट ऑल इमेज विद बोर्ड्स, आप ये इसका अपना जो उसमें हमने देखा था ना पासवर्ड, तो यहाँ पे अपनी इनरोलमेंट आईडी वगैरह डालनी है, पासवर्ड जो भी ईमेल पे आई थी। हाँ, वो पासवर्ड ईमेल आईडी सब कॉलेज ने दिया है, मतलब आईडी इनरोलमेंट हमने खुद मतलब खुद ही उसने दे दिया, हमारा जो इनरोलमेंट है वही आईडी दे दी। ये हाँ ये वाला एग्ज़ाम हमने लास्ट टाइम दिया था, सब्जेक्टिव टाइप का ड्राफ्टिंग का, और आज इसका है 90 मिनट का है। अच्छा, टाइमिंग वगैरह सब हर एक चीज़ मेंशन है, हर एक चीज़ मेंशन है। कंटिन्यू पर जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो एक्सेस यहाँ पे प्रोसीड नाउ। Game over.